हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मेड इंजीनियरिंग। आपने स्पाइडर्स वेब तो देखा ही होगा, मकड़ी का जाला। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मकड़ी के जाल में पेंटागन और हेक्सागन ज्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ आने लगा उसका आंसर। तो सबसे पहले अज्यूम करो कि मकड़ी के जाल में हेक्सागन है, जिसको इस हेक्सागन का हम सबसे पहले काइनेटिक चेन के रूप में देखेंगे। इसमें सिक्स लिंक्स है और जॉइंट्स है वो भी सिक्स है। उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, एफ इज इक्वल टू थ्री मिलेंगे इस इक्वेशन से। ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री है और टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होता है, सिक्स, थ्री ट्रांसलेशन और थ्री रोटेशन। तो कैसे, तीन एक्सिस में थ्री ट्रांसलेशन और इसके उस एक्सिस के अबाउट थ्री रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। यहाँ पे जो थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो ट्रांसलेशन में, मतलब कि अगर विंड यहाँ से आई या यहाँ से आई, वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री है। मतलब तीनों साइड से जो विंड आएगी वो उसको सर्वाइव कर जाएगी और मकड़ी का जो जाला है वो टूटेगा नहीं। बट अगर जो विंड है वो गोल गोल घूम के आए किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो उसका मकड़ी का जाला टूट जाएगा। इसलिए जो हेक्सागोन है उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री है वो ट्रांसलेशन में, मतलब किसी भी तीन डायरेक्शन से वो विंड आएगा तो मकड़ी का जाला नहीं टूटेगा। बट अगर उसने पेंटागोन पे बनाया तो क्या होगा, तो पेंटागोन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू है, मतलब किसी दो डायरेक्शन से विंड आएगी तो उसका जाला नहीं टूटेगा। और अगर तीसरी डायरेक्शन से आ गया विंड तो उसका जाला टूट जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मकड़ी पेंटागन पे उसका जाला क्यों बनाएगी। तो उसको अगर ऐसा लगेगा कि तीसरे डायरेक्शन से विंड नहीं आ सकता तो वो पेंटागन पे डिजाइन करेगी। मकड़ी ट्राइंगल पे अगर जाला बनाए तो क्या होगा, तो ट्राइंगल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जीरो है, मतलब किसी भी डायरेक्शन से विंड आएगा तो उसका जाला टूट जाएगा। तो इसलिए मकड़ी वो ट्राइंगल पे जाला नहीं बनाती, पेंटागोन या हेक्सागोन पे ही जाला बनाती है।